हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आ गई थी मार्केट से घर पे काफ़ी टाइम पहले, तो मैं छोटे मोटे जो भी घर के काम थे आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। ये सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं जो सूख गए थे, और प्रिंसी के कपड़े यहाँ रखे हैं ये भी सूख गए थे, और कल ये वाला पर्दा जो यहाँ पे लगा था ना हमारा, वो मैं पर्दा हटा रही थी ना तो वो वहाँ से गिर गया, रॉड मेरे ये वाले शोल्डर पे गिरा, मुझे बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी। तो अभी वो भी ऐसे यहाँ पे निकाल के रखा है। तो मेरी जो बड़ी स्टूल है ना वो मेरी पड़ोसन के घर पे है, तो उससे मैं शाम को लूँगी, या मेरी काम वाली आई तभी लूँगी, तो फिर लगाएंगे हम दोनों मिलके। और मैं लाई थी मछली, तो ये इसमें इस पैकेट में रखी है मच्छी, तो ये धोऊंगी अभी, इसको मसाला लगाऊंगी। और यहाँ पर हमने भेजा लाया था तो वो उबलने रख दिया है, तो इसको बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, मच्छी और रोटी। और यहाँ पड़े हैं सारे बर्तन, तो मैं अभी बर्तन धोऊंगी। मैं इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ कि एक तो स्टैंड है मेरे पास पर उसको सेट करने के लिए इधर जगह नहीं है, हैं, और दूर से वो उतना अच्छा आता नहीं है, तो इस वजह से मैं काम बताती हूँ पर करती मैं ही हूँ, कोई नहीं है करने के लिए, बस मैं ही हूँ घर में। अभी अकेली हूँ मैं, प्रिंसी स्कूल गई है, उसके पापा ऑफिस गए हैं, तो सारे काम तो मुझे ही देखने रहते हैं ना, दिन भर घर के तो कौन करता है, मैं ही करती हूँ। मेरी जो हाउस मेड है वो घर में सिर्फ झाड़ू और पोछा करने आती है, क्योंकि मेरे को ना ऐसे तो मैं करती थी पर मेरे को बैठने के लिए जमता नहीं है, अच्छे से बैठ के लगाने नहीं होता, और मुझे ऐसा खड़े खड़े पोछा लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो हाउसमेट रखी है जो घर में सिर्फ पोछा डस्टिंग ये सब काम करने आते हैं, बाकी सारे काम मैं ही करती हूँ, मार्केटिंग, प्रिंसिपल स्कूल, घर के सारे काम, डी मार्ट जाना, राशन लाना, सारा कुछ मैं ही देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती, बस ये है कि दिखा नहीं पाती हूँ, करने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि किचन मेरी बहुत छोटी है, ये घर बहुत छोटा है, और ये मेरा खुद का घर नहीं है, ये घर भी मेरा भाड़े का है, तो बस एडजस्ट कर रहे हैं जब तक के चल रहा है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ रही और मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर गया तो इंशाल्लाह मैं भी अपना खुद का बड़ा सा एक घर लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा घर है, पर इधर कैसे ना, प्रिंसी का स्कूल भी नज़दीक है, मार्केट वगैरह भी नज़दीक है, और प्रिंसी के पापा को भी ज़्यादा लंबा नहीं गिरता यहाँ से ऑफिस के लिए, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से शिफ्ट कहीं और कर नहीं रहे हैं। और अभी इतना महंगा रेंट हो गया है, यानी एक महीने का अगर भाड़ा पकड़ा जाए तो कम से कम अगर 1 BHK के भी हम लेते हैं तो उसका भाड़ा होता है कुछ 17-18 हज़ार रुपये, अच्छी जगह पे अच्छे टावर मिलेंगे तो, बड़ी सोसाइटी मिलेंगे तो 17-18 हज़ार रुपये 1 BHK का भाड़ा है, और 50-60 हज़ार रुपये डिपॉजिट लग जाता है, फिर दो दलाली यानी ब्रोकेज, वो जो दलाल लोग जो रूम दिलाते हैं वो दो दलाली वो लोग ले लेते हैं, यानी दो भाड़े उनको देना पड़ते हैं, फिर शिफ्टिंग का पकड़ लो तो 1-1.5 लाख रुपये के ऊपर सिर्फ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग यानी सिर्फ घर खरीदना और शिफ्ट करने का ही खर्चा बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि हम अपना रूम शिफ्ट कर सकें, तो कोशिश करती हूँ जो भी जैसा है, अल्लाह का करम है कि हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छा अल्लाह दे रहा है खाने के लिए, रहने के लिए, उसका शुक्र अदा करते हैं, पर फिर भी इंसान ने अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए कुछ तो भी करके जाना रहता है ना इस दुनिया से। तो मैं भी चाहती हूँ जब मैं इस दुनिया से जाऊँ मेरी बच्ची खुद के घर में रहे, ना कि भाड़े के घर में, तो हमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरे को कुछ अर्निंग होने लगेगी, तो मैं अपनी बच्ची के लिए खुद का घर करना चाहती हूँ। तो चलिए, मैं अपने सारी काफ़ी सारी मैंने बातें कर ली हैं, शायद मेरी हाउसमेट भी आ गई है, तो उसको मैं घर का काम करने के लिए बोलती हूँ, और मैं यहाँ के काम निपटाती हूँ, मिलती हूँ आपको बाद में। बाय।